नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी? आज हम करना सीखेंगे एक खास आसन जिसका नाम है मंडूकासन। इसको अंग्रेजी में फ्रॉग पोज कहा जाता है। इसको कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं और क्या पूरी तकनीक है, वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस की, यानी कि किनको ये आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, अगर आपको अल्सर की समस्या है। तीसरा, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है और वो 3 महीने पुरानी नहीं है। अगर आपको 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपको जोड़ों में, आपके घुटनों में तेज़ दर्द होता है तो आप इस आसन को ना करें, या फिर आपको सीवियर बैक पेन है, कमर का दर्द है, स्लिप डिस्क है, तो आप इसको अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो भी आप ये आसन अवॉइड करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये आसन हमें क्यों करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये हमारे 2 दोष कम करता है, वो है कफ और पित्त। तो ये आसन आपको रोजाना प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आसन बहुत ही आसान है और कोई भी बिगिनर इसको आसानी से कर सकता है। इस आसन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन का जो फंक्शन है वो अच्छा होता है, जिससे आपका डायबिटीज़ क्योर होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, क्योंकि ये आसन हमारे एब्डोमेन को मोस्टली टारगेट करता है, उस पर काम करता है, इसलिए हमारे इन ऑर्गन्स की मसाज अच्छी करता है, उनके काम को अच्छा करता है। इसके साथ ये हमारे पॉस्चर को बेटर करता है। हिप ओपनर है, यानी कि जो हमारे हिप में पेन होता है या डिसलोकेटेड जो जॉइंट्स होते हैं उनको ये अच्छा करता है। साथ में ये हमारी ब्रीदिंग को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है, डीप करता है। तो चलिए अब इस आसन की तकनीक सीखते हैं कि कैसे हमें इसे करना चाहिए। ये आसन आपको हमेशा खाली पेट करना है। अगर आपने खाया है तो उसके 3 से 4 घंटे बाद, अगर आपने पानी या चाय पिया है तो उसके आधे घंटे बाद। इस आसन को करने के 30 मिनट बाद आप कुछ खा पी सकते हैं या नहाने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस आसन को अच्छे से करना सीखते हैं। तो इस आसन में सबसे पहले हम जाते हैं दंडासन में। तो बहुत ही आसान है, दोनों पैरों को सबसे पहले आप आगे इस तरीके से फैलाकर बैठ जाएंगे। आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए। इस तरीके से आप अच्छे से बैठ जाएं। तो ये हुआ दंडासन। दंडासन से हम जाएंगे वज्रासन में। तो इसमें क्या करना है आपको, एक हाथ का सहारा लेके दूसरा वाला जो पैर है, ऑपोजिट वाला, उसको मोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ करके आप क्या करेंगे, अपनी हील के ऊपर अपने हिप को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे वाले पैर को मोड़ेंगे और बैठ जाएंगे। वज्रासन पर एक फुल वीडियो है जो आप चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें पूरा अच्छे से करना बताया गया है। वज्रासन में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एक, आप जो अपनी हील है, एड़ी है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं बैठते हैं, बल्कि हील के बीच में जो स्पेस है उसमें बैठते हैं, ताकि आपका आसन अच्छे से लगे। दूसरी चीज़, आपके जो दोनों जांघें हैं वो आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है, उनको खोलना नहीं है। अब मंडूकासन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वज्रासन में बैठ के एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इसके बाद हाथों की पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, अपने जो दोनों हाथ हैं उसकी मुट्ठी बनानी है। तो जो थम्स हैं उसको हम अंदर लेंगे और जो उंगलियां हैं उसको उसके ऊपर मोड़ के इस तरीके से हमें फिस्ट बनानी है। फिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, इस आसन में आपकी जो नकल्स होती हैं, ठीक है, इसको अपनी नाभि के दोनों तरफ रखना है। तो बीच में जो आपकी नेवल है, नाभि है, उसके दोनों तरफ, ठीक है, और सामने देखेंगे। इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है। अच्छे से हाथों को खोलेंगे, नाभि को सेंटर में रखते हुए दोनों नकल्स किनारे किनारे और चेस्ट एकदम खुला हुआ, ठीक है। तो ये हुआ प्रेपरेटरी पोज, मतलब इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। अब नीचे कैसे जाना है, पहले तो सांस भरेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आपको नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद
बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ पे हमें सांस रोकनी है, पर ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली सांस लेते रहना है। आंखें चाहें तो बंद कर लें। कम से कम 10 से 15 सेकंड आपको यहाँ पे रुकना है। सांस भरें, अब आ जाएं वापस। अगर आपको वज्रासन में बैठते वक्त क्या होता है, एंकल्स पे जोर आता है तो दर्द हो सकता है, तो आप इस तरीके से एक टावल ले लें, ठीक है? उसको, जैसे मैंने ये छोटी टावल है जिसको 3 बार मैंने फोल्ड किया है, इसको आप अपने एंकल्स के नीचे रख लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मंडूकासन करने में, तो आपको ये आसन उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है? चलिए, तो आपको 3 बार करना है, 2 बार और कर लेते हैं। हाथों को ऐसे लेके आए, मुट्ठी बनाई नाभि के किनारे, अच्छे से पहले थोड़ा सा प्रेस भी करेंगे, और ये जो प्रेशर है ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अंदर की तरफ जाने ही हैं, तो प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं देना है, पर आपकी जो प्लेसमेंट है वो ठीक होनी चाहिए। नकल्स की सामने देखें, सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको नीचे आना है। सांस लेते रहें। आराम से यहाँ पे रुकें। हल्के से सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। दो बार किया, तीसरी बार करेंगे। एक लंबा गहरा सांस ले लें, रिलैक्स हो जाएं। चलिए फिर से तैयार करते हैं। फिस्ट बनाया, नाभि के किनारे रखा, सांस भरा और एक्सेल करते हुए, सांस को छोड़ते हुए, छाती एकदम खुली हुई, धीरे धीरे शरीर नीचे आता जाएगा, पूरा नीचे आता जाएगा। आंखें बंद, रिलैक्स। आराम से रुके रहें, ब्रीदिंग करते रहें, पूरा फोकस आपके पेट के आसपास रहेगा, अपने हाथों पर रहेगा। लंबी सांसें लेते रहें, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। धीरे से आंखें खोल दें। इसके बाद टावल हटा के फिर से आ जाएं सुखासन में। तो इसको करने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन को आप सारे जो आसन हैं उसके बाद कर सकते हैं। सूर्य, अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो उसके बाद कर सकते हैं। ये आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और जितने लोगों को आप इसको बता पाएँ, सिखा पाएँ, उतना ही अच्छा होगा। ज़रूर कमेंट में लिख के ये बताइएगा कि आपको ये आसन करके कैसा लगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट में लिख के मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।